दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने रश्मि रॉकेट का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं अपने बॉलीवुड के मेकर्स से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि भाई आप लोग कब समझोगे कि भैया ऑडियंस किसी बायोपिक में, किसी रियल इवेंट पर बनी हुई फिल्म में बॉलीवुड का मसाला देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों के सामने सरदार उद्धम सिंह का रिव्यू रखा था, तो भैया उस फिल्म को देखते ही एक बात मैंने हाथ जोड़कर बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स से कही थी कि भाई जब भी आप किसी बायोपिक का काम शुरू कर रहे हैं या फिर किसी रियल इवेंट पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो भैया उन फिल्मों का काम शुरू करने से पहले आपको सरदार उद्धम सिंह को देखना चाहिए। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होगा, आप ये बात समझ पाओगे कि भैया बायोपिक फिल्में कैसे बननी चाहिए और उन फिल्मों में हमें डायलॉग्स कैसे रखने चाहिए और फिल्म का फिल्मांकन कैसा होना चाहिए। इससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन ही होगा और आप लोगों को बेनिफिट होगा और उसके साथ ही ऑडियंस को भी बेहतरीन बायोपिक्स सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। और भाई यही कमी मुझे रश्मि रॉकेट में देखने को मिली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रश्मि रॉकेट के रिव्यू को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने रश्मि रॉकेट का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि भैया ये फिल्म भी सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई है और ये फिल्म सीधा सीधी OTT प्लेटफॉर्म यानी कि G5 पर रिलीज़ कर दी गई है। और इस फिल्म में तापसी पन्नू के साथ नजर आई हैं सुप्रिया पाठक, श्वेता त्रिपाठी, वरुण बडोला और अभिषेक बनर्जी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं आकर्ष खुराना और इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं कनिका ढिल्लन। और इस फिल्म की जो कहानी है वो आधारित है इंडियन स्प्रिंटर दुती चंद के ऊपर। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात हमें बताई गई है कि भाई ये जो फिल्म है वो दुती चंद के लाइफ के ऊपर आधारित है कि उन्होंने अपने रियल लाइफ में कितने संघर्ष किए हैं एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर। यानी कि जब आप इस फिल्म की कहानी को देखोगे, तो वैसे तो आपको पता ही है कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं और यहां भी मैं वैसा ही करने वाला हूं। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप ये पाओगे कि तापसी पन्नू जो है वो बचपन से ही खुद को एक लड़के की तरह सबके सामने प्रिटेंड करती हैं। यानी कि वो खुद को लड़की नहीं मानती हैं, खुद को वो एक लड़का मानती हैं। और वो ऐसा क्यों मान रही हैं? तो भैया उसका कारण ये है कि उनके जो पापा हैं वो ये मानते हैं कि उनकी जो बेटी है वही उनका बेटा है। यानी कि वो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं, वो समाज को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है और अपने पापा की इसी मेंटलिटी को वो साकार करती नज़र आती हैं इस फिल्म में, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको लेकर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये लड़की है ही नहीं, ये तो एक लड़का है। यानी कि उनके जेंडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके द्वारा जीते गए मेडल्स उनसे छीन लिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें इंसाफ पाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ता है। यानी कि फिल्म की कहानी जो है वो इसी धर्रे पर बढ़ रही होती है। और भाई नो डाउट इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन थी। इस फिल्म में एक ज्वलंत मुद्दे को रखा गया था हम लोगों के सामने, लेकिन इस फिल्म को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया था वो तरीका थोड़ा सा गलत था। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो ये फिल्म आपको रियल जोन से हटती हुई ज़्यादा नज़र आएगी। इस फिल्म में आपको बॉलीवुड का मसाला भर भर के देखने को मिलेगा। यानी कि भैया इस फिल्म में जो किरदार निभा रही थी कौन, तो भैया तापसी पन्नू, उनको जिस तरीके से ओपनिंग से लेकर एंड तक दिखाने की कोशिश की जाती है, उनके जो डायलॉग्स हम लोगों के सामने आते हैं, तो उस डायलॉग्स को सुनने के बाद खुद ब खुद आप ये सोचोगे कि क्या वाकई में दुती चंद ने ऐसे डायलॉग्स अपने लाइफ में बोले थे? उनका लाइफ का इतना फिल्मी था, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और यही प्रॉब्लम है। यानी भैया हमारे बॉलीवुड के जितने भी मेकर्स हैं वो जब भी किसी बायोपिक पर काम करते हैं या फिर किसी रियल इवेंट पर फिल्म बनाते हैं, तो उनकी फिल्मों में हमें बॉलीवुड वाला मसाला करण हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? तो भैया हमारे बॉलीवुड के मेकर्स का यह मानना है कि भैया जब तक उनकी फिल्मों में कोई मसाला नहीं होगा, भारी भरकम डायलॉग्स नहीं होंगे, तब तक उनकी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा उन मेकर्स से जो कि भैया ऐसा सोच अपने दिमाग में पाल कर चलते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई बायोपिक फिल्म देखते हैं या फिर रियल इवेंट पर बनी हुई फिल्म देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखना चाहते हैं? सच्चाई, सच्ची घटना को सच्ची तरीके से हमारे सामने रखा जाए।
यानी कि भैया उस फिल्म में हमें इधर उधर का जो कहते हैं ना कि डायलॉग बाजी और उसके बाद में बॉलीवुड का ट्रीटमेंट हमें देखना नहीं है। यानी कि भैया हम बॉलीवुड के किसी ऐसे एक्टर की फिल्म को तो नहीं देख रहे हैं जो कि भैया मसाला मूवीज बनाने के लिए ही फेमस है। यानी कि सीधी सी बात करें, यहाँ पर हम ना तो शाहरुख खान की फिल्म देख रहे हैं, ना ही भैया सलमान खान की फिल्म देख रहे हैं। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद वाकई में दिल काफ़ी व्यथित हुआ है। और यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस फिल्म में नज़र आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब के सब बहुत ही दमदार कलाकार थे, लेकिन सब के सब ओवर एक्टिंग करते नज़र आ रहे थे। और भाई ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके लिए वो दोषी नहीं है। यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूँगा कि ये दोषी नहीं है, क्योंकि ये सब बॉलीवुड के चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो कि किसी भी किरदार को बहुत ही बखूबी निभाना जानते हैं। लेकिन उनसे जैसा काम लिया जाएगा, उनको जिस तरीके से अपने डायलॉग का प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा, वो वैसे ही काम करेंगे मेरे भाई। और जब उनसे ऐसा काम करवाया जाएगा तो भैया फिल्म जो है वो रश्मि रॉकेट की तरह बन के आएगी। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे इस फिल्म के बारे में, तो भैया फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन फिल्म को जिस तरीके से फिल्माया गया उसकी वजह से ये फिल्म 2 स्टार के लायक भी नहीं है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।